मैंने बोला सल्तनत, ये शायरों ने सल्तनत डुबो दी है और मुगलिया आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं। जिस तरह से इमरान प्रताप गढ़ी ने कसीदे पढ़े थे, ये उसी आइडियोलॉजी को यहाँ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। एक बात मैं और बता दूं अपने सपा और दूसरे पार्टी के मित्रों को, ये शायरों ने केवल समाज को ही नहीं पूरी सल्तनत को बर्बाद कर दिया। शाहजहां बर्बाद हुआ तो शायरी और नाच गाने के कारण, और उसका बेटा वो समझ गया था कि ये शायरी वगैरह इन लोगों को हटाओ। औरंगजेब ने सारे शायरों नाचने गाने वालों को उठा करके उनके बीड़ा और वाद्य यंत्रों की कब्र खुदवा के गाड़ दिया था। उसी तरीके से ये इमरान जो है, ये एक शायर, इसने पूरे अतीक अहमद और सपा को डुबो दिया। मैंने बोला सल्तनत, ये शायरों ने सल्तनत डुबो दी है और उनको जनता की नब्ज टटोलनी चाहिए। यहाँ की जनता सुनना चाहती है कि रणबीर चौकरी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। यहाँ की जनता के कानों को कर्णप्रिय अच्छा लगता है, बुंदे ने हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वाली, वो तो झांसी की रानी थी। शायरी आजम खान ने की, क्या हुआ रिजल्ट? उन्होंने लोकसभा में शायरी की, कैरियर तबाह हो गया, पूरा साम्राज्य तबाह हो गया। अभी एक शायरी इन्होंने की है, पूरा अतीक अहमद का साम्राज्य, सपा का साम्राज्य। भाई ये शायरी करके कम से कम अतीक अहमद इनको छोड़िए, देश को बख्श दीजिए, रहम करिए, शायरी मत करिए। यहाँ छंद चलते हैं, मुक्तक चलता है, दोहा चलता है, देश को डुबोने का प्रयास मत करिए।